दोस्तों अपने प्यारे भारत में 10 साल में 10,000 बजट पर काम किया गया, लाखों योजनाओं को लॉन्च किया गया, तब जाकर के हम टॉप 10 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमिक बने हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के 10-20 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 10 साल के अंदर तैयार कर लिए गए। इनमें से कुछ पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं, कुछ इसी साल ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसने दुनिया की दृष्टि को गरीब कहे जाने वाले भारत को एक महान भारत बना दिया, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बना दिया। आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जो भारत के बारे में नहीं जानता होगा। आइए जानते हैं भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 1 पर है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अपने प्यारे भारत में 2014 के पहले ना के बराबर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थे। किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करवाने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ होता है। पैसेंजर रेलवे नहीं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ मैं, जिनसे की होकर के लॉजिस्टिक का अनजान होता है, इंटरनल एक्टिविटीज होती है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है। ऐसे में हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। कांग्रेस के काल में 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की चर्चा तो हुई थी, लेकिन इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ था। 2006 से लेकर के 2013 तक बर्बाद गया, इस पर कोई काम नहीं हुआ। जब इलेक्शन का टाइम आया तो 2013 में इस पर काम स्टार्ट हुआ, लेकिन कांग्रेस हार गई और 2014 में एंट्री होती है मोदी की। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इस DFC को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दो फेज में बांटने के बाद इसका काम इतना स्पीड से चला कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर के तैयार हो चुका है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनकर के तैयार होने वाला है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरा है, जिसकी टोटल लेंथ 1504 किलोमीटर है। वहीं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से लेकर के बिहार के सोननगर तक बनाया गया है। इसकी टोटल करीबन 1337 किलोमीटर है। ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग बनकर के तैयार हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपया को अलॉट किया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर 2 पर है भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज पूरी तरह से बनकर के तैयार है, बस इस पर ट्रेन दौड़ना बाकी है और बताया जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर इस पर ट्रेन चलना भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको लेकर के भी मैंने अभी ये वाला वीडियो लाया था। अगर आप जानना चाहते हैं कि चिनाब ब्रिज का कितना काम हुआ है, चिनाब ब्रिज पर ट्रेन कब दौड़ेगी, कैसे दौड़ेगी, तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आई बटन पे भी शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। चिनाब ब्रिज का जो अप्रूवल है वो तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही दिया गया था 2003 में, लेकिन 2004 में बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस ने अपने 10 सालों में चिनाब ब्रिज को छुआ तक नहीं। प्रॉपरली 2017 में चिनाब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और ये पूरी तरह से बनकर के तैयार है। इस पर ट्रेन इसलिए नहीं दौड़ा है क्योंकि जो आगे का रूट है वो तैयार नहीं है। ब्रिज तो तैयार है लेकिन सिर्फ ब्रिज पर ट्रेन थोड़ी चलेगा, आगे का भी रास्ता क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ट्रेन नहीं दौड़ा है। बाकी ये पूरी तरह से बनकर के तैयार है, आप जा करके देख सकते हैं और सेल्फी लेकर के इंस्टाग्राम पर हमें भी टैग कर सकते हैं। नंबर 3 पर है MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको कि अब अटल सेतु बोलते हैं। देखिए इसका प्रपोजल भी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में दिया गया था 2004 में, लेकिन 2004 के बाद बीजेपी हार जाती है तो काम रुक जाता है क्योंकि कांग्रेस ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। वो बस सब कुछ फ्री करना चाहते हैं, फ्री का खाओ, आलसी बन जाओ, 5 साल सो फिर हमें वोट दो, देश कहाँ जाएगा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के काल में अटल सेतु को 4 बार रिजेक्ट किया गया है, लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया, लेकिन फिर कांग्रेस हार जाती है और फिर एंट्री होती है मोदी जी की। 24 दिसंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ओवरऑल DPR रिपोर्ट तैयार करते करते 2-3 साल लग गया, जो भी हुआ लेकिन मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के कार्यकाल में ये बनना भी स्टार्ट हुआ और बन करके भी तैयार हो गया। आप यहाँ पर जाकर के टहल सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, ये तैयार है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज है। 17,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जिसमें से 15,000 करोड़ रुपया जापान ने भारत को दिया है और अभी ये ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है। चूंकि इतना ज्यादा पैसा लगा है तो इसकी रिकवरी भी करनी है, तो जापान को पैसा लेना है, तो जापान ही टोल टैक्स के माध्यम से इसका पैसा वसूलेगा। मुंबई बड़ी सिटी है, अमीरों का शहर है, बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पर बसा हुआ है, तो अमीर लोगों के लिए ज्यादा टोल टैक्स देना आसान है एज कम्पेयर टू 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहना, ट्रैफिक में जाम रहना, इससे तो काफी अच्छा है उनके लिए। ये प्रोजेक्ट कितना खास है, कितना भव्य है, कैसे इसको तैयार किया गया, हमारे इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इन सारी चीज को मैंने इस वाले वीडियो में कवर किया है। आप चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक आ रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर के आप इसको देख लेना, मजा आ जाएगा। 4 नंबर पर है देश का सबसे लंबा रेल सड़क बोगीबेल ब्रिज, मतलब एक ऐसा ब्रिज जिस पर
पर गाड़ी भी चल रही है और ट्रेन भी चल रही है, उसी को बोलते हैं बोगी बेल ब्रिज, और ये भी बनकर के तैयार हो चुका है। इस ब्रिज के बनने से असम और अरुणाचल प्रदेश का वो 170 किलोमीटर कम हुआ है, जिससे कि 4 घंटा का समय भी कम हो गया है। इस ब्रिज को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है और इसकी कहानी भी वही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी शुरुआत 2002 में की थी। टारगेट तो सेट किया गया था कि 6 साल के अंदर इसको बना लिया जाएगा, लेकिन 2004 में बीजेपी हार जाती है, उसके बाद कांग्रेस ने इसको छुआ तक नहीं। फाइनली 2015 में मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और महज 3 साल के अंदर इसको बना करके तैयार कर लिया गया। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के महोत्सव पर इस ब्रिज को खोल दिया गया, यानी कि देश को समर्पित कर दिया गया। नंबर 5 पर है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, सरदार पटेल स्टैचू, जिसको कि गुजरात में बनाया गया है। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। दूसरे नंबर पर चाइना का एक बुद्धा स्टैचू है, और तीसरे नंबर पर है अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और चौथे नंबर में फिर अपना भारत आता है, भारत का कुतुब मीनार। हमारे भारत के जो सो कॉल्ड यूट्यूबर हैं, उनका कहना था कि 3,000 करोड़ रुपया खर्च करके क्या मिला दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू को बना करके, एक भी आदमी यहाँ पर घूमने नहीं आएंगे, 2,000-3,000 आ सकते हैं, इससे क्या प्रॉफिट होगा। पता नहीं ये नेगेटिव लोग कहाँ से आते हैं, लेकिन गाइस आप जान करके हैरान रह जाएंगे। आप रिपोर्ट जाकर के चेक कर लीजिएगा, 2023 में इस स्टैचू को देखने के लिए 5 मिलियन लोग आए थे। जिस गाँव में इसको बनाया गया है, वहाँ के गांव वालों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। अब इतने ज्यादा टूरिस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि इस पूरे गाँव को नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है। नंबर 6 पर है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, लेकिन सरकार के पास इतना बजट ही नहीं था कि वो इतने लंबे एक्सप्रेसवे को बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही इसको बनाने का डिसीजन लिया गया था, लेकिन 2004 में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, उसके बाद कांग्रेस ने इसको छुआ तक नहीं। आप जाकर के इतिहास चेक कर सकते हो। अप्रैल 2016 में मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया, और मोदी गवर्नमेंट का 5 साल कार्यकाल खत्म होने से पहले मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर 2018 में इसको बना करके तैयार कर दिया। अब आप सोच करके देखो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें मात्र 2.5 से 3 साल का समय लगा। अगर इसका काम कांग्रेस ने 2004 में स्टार्ट किया होता तो 2007-8 में ही ये बनकर के तैयार हो जाता, लेकिन कांग्रेस के पास बजट रहेगा तब ना, उनके पास पैसा ही नहीं है। पता नहीं ये लोग फ्री देने की वादा कहाँ से करते हैं। अगर ये बन गया होता तो दिल्ली NCR वालों को 12 साल पहले ही ट्रैफिक से छुटकारा मिलता और वो और ज्यादा ग्रो करते हैं। खैर जो हो गया सो हो गया। नंबर 7 पर है भूपेन हजारिका सेतु। इस ब्रिज को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी पर बनाना था। ये करीबन 9.15 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज था, जिसको बनाने के लिए 2,056 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया था। इसको भी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ही बनाने का डिसीजन लिया गया था 2003 में। असम के MLA जगदीश बुनिया ने 2003 में इस ब्रिज को बनाने की जो अपील है अटल बिहारी वाजपेयी से की, और इन्होंने इसे बनाने के लिए पास भी कर दिया। लेकिन बीच में इलेक्शन आता है, कांग्रेस फ्री देने का वादा करती है और सारे लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, बीजेपी हार जाती है 2004 में, और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। ठीक है, फिर का खाओ, देश 5 नंबर में रहे, 10 नंबर में रहे, पाकिस्तान से भी पीछे चले जाए, क्या मतलब है आपको, आपको बस फ्री का खाना है, अच्छी बात है। कांग्रेस ने 10 साल में इस ब्रिज को छुआ तक नहीं। ये ब्रिज भी 10 साल के लिए होल्डबल चले गया। 2014 में जब मोदी जी की एंट्री हुई, वो दोबारा से इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देती है, और मोदी गवर्नमेंट का 5 साल खत्म होने से पहले 2017 में ही ये बन करके तैयार भी हो जाता है। यानी कि 3-4 साल में बन जाने वाला ब्रिज कांग्रेस की वजह से 10-15 साल पीछे चला गया। आपको लग रहा होगा कि ये ब्रिज पीछे गया, लेकिन नहीं, भारत की जो ग्रोथ है वो पीछे गई, हम 10-15 साल पीछे हो गए। यही सब कारण है कि कांग्रेस ने 65 साल तक राज किया और देश चाइना से पीछे चलते गया। आज हम लोग चाइना से 5 गुना ज्यादा पीछे हैं। चाइना की जो इकोनॉमी है वो हमसे 5 गुना आगे है। 65 सालों में कांग्रेस ने क्या किया भगवान मालिक है। तुम गरीबी को भी खत्म नहीं कर पाए। 2014 के बाद से भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रही है फ्री में। अगर आपने 65 सालों में गरीबी खत्म कर दी होती तो फिर मोदी गवर्नमेंट लोगों को अनाज क्यों देती। अभी भी खिलाया जा रहा है और आने वाले 5 साल तक और खिलाया जाएगा। उसके बाद अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो हो सकता है इसको बंद किया जाए। मैं वीडियो लंबा करना चाहता नहीं हूँ, बट फ्लो फ्लो में हो जाता है। नंबर 8 पर है न्यू पार्लियामेंट। हमारी जो पुरानी पार्लियामेंट है वो 1927 में ही बनी थी। 2027 में इसका 100 साल पूरा हो जाएगा, तो लगभग इसका 100 साल पूरा होने वाला था और ये काफी जर्जर हो चुका था। इतने बड़े भारत के भविष्य की चर्चा होती है जिस पार्लियामेंट में, वो भारत का पहला मंदिर है, तो उसको एक भव्य तरीके से बनाना काफी जरूरी था। विदेशों से लोग भी आते थे तो क्या बोलते थे, भारत का पार्लियामेंट कैसा है। तो ये कारण है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के न्यू पार्लियामेंट को बनाने का डिसीजन लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मात्र 2.5 साल के अंदर इतने भव्य पार्लियामेंट को बना करके तैयार कर दिया गया। नया पार्लियामेंट 64,500 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया है, जबकि पुराना पार्लियामेंट 24,281 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया था। न्यू पार्लियामेंट कितना खास है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
नंबर 9 पर है अटल टनल। इस टनल की नींव अटल बिहारी वाजपेयी ने ही 2002 में रखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का ऐलान किया था और काम भी किया था, लेकिन जनता जनार्दन को कुछ और पसंद था। उन्हें पसंद था फ्री का, और फ्री के चक्कर में हम लोग 10 साल और पीछे चले गए। लेकिन गुजरात नहीं गया, गुजरात में मोदी थे। गुजरात लगातार ग्रो कर रहा था, इतना ग्रो कर गया कि 2014 में पूरे भारतवासियों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद अटल टनल का काम काफी तेजी से चला। लाख खामियों बाद लाख चैलेंजेस के बाद 15 अक्टूबर 2017 को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित अटल टनल का निर्माण कंप्लीट हो गया, और 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इसे देश को समर्पित कर दिया गया। 2020 में इसे आम पब्लिक के लिए खोला गया और अभी ये सभी के लिए चालू है। इससे हमारे इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। नंबर 10 पर है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट। 2011 में पाकिस्तान ने इस वाले प्रोजेक्ट का विरोध किया और कांग्रेस सरकार डर गई, काम रुक गया। 2014 के बाद इसका काम काफी तेजी से चला और 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन कर दिया। तो ये थे 10 बड़े प्रोजेक्ट जो मोदी गवर्नमेंट के काल में कम्प्लीट हो चुके हैं। मैंने 10-20 बोला था, अभी और 20 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इसी लेवल के। छोटे लेवल के लाखों प्रोजेक्ट हैं जो बनकर के तैयार हो चुके हैं या बाकी हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं नाम बताना जरूर चाहूंगा। भारत में 8 अपकमिंग स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है। यूपी, गुजरात, दिल्ली, NCR, हरियाणा, मुंबई, इन जगहों पर कई स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है। इसमें से एक दो बनकर के भी तैयार हो गए हैं। आप बोलोगे तो मैं अलग से इस पर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके अलावा जून 2022 में प्रगति मैदान कॉरिडोर को बना करके भी तैयार कर दिया गया है। दिल्ली NCR में RRTS भी कंप्लीट होने वाला है और 2-4 स्टेशनों पर ये चल भी रहा है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स में हम राम मंदिर को भी नहीं भूल सकते हैं। राम मंदिर काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इस साल ओपन हो गया। 74 न्यू एयरपोर्ट को भी बना करके तैयार कर लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिसंबर 2025 तक इस पर से भी फ्लाइट उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। मुंबई में मुंबई कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है, 2026 में कंप्लीट हो जाएगा। जोजिला टनल, केबल स्टे ब्रिज, कई एक्सप्रेसवे, कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब पर काम चल रहा है और इनमें से बहुत सारे बनकर के तैयार हो चुके हैं। कई नए पोर्ट पर काम चल रहा है और कई नए पोर्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं। कई सारे सोलर पार्क पर काम चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी भारत में बन रहा है। कई सारे नए न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट को भी एस्टेब्लिश किया गया है। आप अगर लिस्ट बनाओगे ना कि सिर्फ 10 साल में कितने सारे प्रोजेक्ट पर काम चला, कितना सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और कितना तैयार होने वाला है, आपको 10 दिन लग जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको सही से तैयार नहीं कर पाओगे। मैं अपने चैनल पर इन सारे प्रोजेक्ट को एक एक करके सेपरेट बाय सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहूंगा। बाकी आप पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।